जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले पुस्तक और लेखक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पुस्तक लिखा गया है दोस्तों, उन सारे पुस्तक के बारे में बात करेंगे जो कि आप सभी की आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, या इस वीडियो के अंदर आप सभी को 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और पेपर पेन साथ में लेकर बैठिएगा। हमारे पास 65 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते आज के क्लास को, और जो हमारा पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेटर्स ऑफ सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा, लेटर्स ऑफ सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा, सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। बात करते इम्पोर्टेंट पॉइंट को, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखते चलेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबें, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने और कौन कौन महत्वपूर्ण किताबें लिखी। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी लिखे हैं, सोशल हारमोनी नरेंद्र मोदी जी लिखे हैं, चैंगिंग इंडिया मनमोहन सिंह लिखे हैं, मैटर ऑफ डिस्कर्स इंद्र कुमार गुजराल जी लिखे हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते, दूसरे नंबर क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लेना कि फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किसने लिखा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार के लिख लेना दोस्तों। इसको किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर किरण बेदी इज राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं, इनका पिक भी देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि टोम्स ऑफ अस्टेंट रत्न समाधि पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री इज राइट आंसर, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उपन्यास टॉम्स ऑफ सेंट को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इनको बुकर पुरस्कार दोस्तों साल 2022 से पहली बार किसी हिंदी भाषा उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि गीतांजलि श्री एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दोस्तों बुकर प्राइज पहली बार 2022 में वो भी हिंदी भाषा के उपन्यास के लिए किसी को दिया गया था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रोकवेल ने की है। फोर नंबर क्वेश्चन, हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इस पुस्तक के लेखक कौन जाएंगे, श्याम शरण इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीबे मार लेना। जिस भी क्वेश्चन भीबे मार रहे हैं वो क्वेश्चन देखिएगा, जरूर आएगा। कह रहे कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक जो हो जाएंगे उपयुक्त में से दोनों, दलाई लामा और डेसमंड टूटू, ठीक है। इन दोनों व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखे जो कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को किसने लिखा, तो इस पुस्तक को लिखे हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे गीता पीरामल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गीता पीरामल इज राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन दिए, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर सेठी इज राइट आंसर। एट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी डू डिफरेंस द अनटोल्ड धोनी पुस्तक को किसने लिखा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो कि धोनी पर क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे किन्ने लिखा उपयुक्त दोनों, यानी कि जॉर्ज भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है, जो कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कि
बात करते हैं प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनी, प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनी की बात करें, बिलीव व्हाट लिव एंड क्रिकेट थ्रू मी, सुरेश रैना, प्ले इट्स माई वे, सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली, नो स्पाइनर, शेन वॉर्न, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिस गेल, और 281 एंड बियॉन्ड, वीसीसी लक्षण। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक को किसने लिखा। तो इस पुस्तक को दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कौन लिखे, तो बिल गेट्स, ऑप्शन ऑफ बिल गेट्स इज राइट आंसर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल गेट्स वाले, ठीक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा, इस पुस्तक को लिखे हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी अस्किन बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। द डॉलर द $10 ट्रेलिंग ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा, इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 12 नंबर द लिविंग माउंटेन पुस्तक को किसने लिखा, द लिविंग माउंटेन पुस्तक को किसने लिखा, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अमिताभ घोष, अमिताभ घोष इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इम्पोर्टेंट की बात करें तो अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक तो सी ऑफ पोपीज, जंगल नामा, रिवर ऑफ स्मोक, द कैलकुटा क्रोमोसोम, द सेवज लिंस, द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पोपीज, जंगल ऑफ नामा, ये सारे जो लिस्ट हो जाएंगे दोस्तों इंपोर्टेंट हो जाएंगे उनसे रिलेटेड, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा, तो ऑपरेशन खात्मा को दोस्तों आरसी गंगू और अश्विनी भट्ट नागर ने लिखे हैं। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ बीसीसीआई, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किसने लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है इस पुस्तक को, तो 14 नंबर के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनोद राय, विनोद राय इज राइट आंसर विनोद राय। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ जेंडर जेनेंट ले जेंट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके जो लेखक हो जाएंगे फैसल फारूकी, फैसल फारूकी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फैसल फारूकी। 16 नंबर, अंबेडकर अ लिटिल पुस्तक को किसने लिखा, अंबेडकर अ लिटिल पुस्तक को किसने लिखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसके जो सही आंसर हो जाएंगे बी शशि थरूर इज राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा शशि थरूर द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें, द स्ट्रंग फॉर इंडिया सोल, द बेटर ऑफ अ ब्लॉगिंग, एरा ऑफ अ डार्कनेस और द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सारे पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, थरूर के द्वारा। 17 नंबर, बरगट विंटर इन यूरोप पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्रणय पाटिल इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लिस्टन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दोस्तों अस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अस्किन बॉन्ड इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030 पुस्तक को विमोचक किसने किया है, तो इस पुस्तक का विमोचक किया है नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने इसे किया है। अनफील्ड बारेड इंडियन ऑल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है,
या किसने लिखा है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिचा मिश्रा। त्रिचा मिश्रा इज राइट आंसर, ऋचा मित्रा, रिता ऋचा। अल्लास की नाव की पुस्तक के लेखक कौन है, तो विकास कुमार झा, विकास कुमार झा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विकास कुमार झा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम फेवरेट फॉर अ चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के लेखक अस्किन बॉन्ड हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अस्किन बॉन्ड दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध मतलब कि लेखक है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की बात करते हैं, हाउ टू लिव योर लाइफ, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट 57 ईयर्स ऑफ अ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है द ट्रीज ऑफ देहरा, हाउ टू बी राइटर, द हाउस ऑफ द स्ट्रेंज स्टोरी थर्ड, हाउ टू लिव योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, रतन टाटा द अथॉरिटीज बायोग्राफी के पुस्तक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके जो लेखक हो जाएंगे एस जयशंकर, विदेशी मंत्री। विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्नआउट इन इंडिया वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सोएड मरीन। दोस्तों जिस पुस्तक में मैं स्टार मार रहा हूँ क्वेश्चन इंपोर्टेड हो जाएगा, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ द पर्सनल लॉ इन अ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों सौम्या सक्सेना। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पारा वील वेयर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे योगेंद्र सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की बात करते हैं, दिव्यांग गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक के लिखे हैं यतीन्द्र मिश्रा इज राइट आंसर, यतीन्द्र मिश्रा। 29 नंबर रागिनी लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया मोस्ट लिव्ड सुपर स्टार पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे पीसी बल्ला सुब्रमण्यु। 30 नंबर क्वेश्चन है डिकोडिंग इंडिया बोडोमो पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों अश्विनी श्रीवास्तव। इंडिया दैट इज अ भारत कोनी लिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक कौन जाएंगे जे साई दीपक इज राइट आंसर। द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो सुबीरा प्रसाद ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंडोमिटेबल ऑफ वर्किंग वोमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लैंडस्केप पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुराधाचार्य भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया आईटी रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हरीश मेहता इज राइट आंसर। बात करते हैं 35 नंबर, हेयर योर सेल्फ हाउ डू फाइंड पीस इन अ नोएजी वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों प्रेम रावत इज राइट आंसर, प्रेम रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की बात करते हैं, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी कृषि के लेखक कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे श्रीवास्तव चौलिया। नेक्स्ट है
द मैगजीन ऑफ माल मैन गैलो जोधी पुस्तक के लिए कौन हो जाएंगे? इसके जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सॉरी ए अविनाश खेम का, ठीक है। द बुक ऑफ द बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इसके जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभय के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की बात करते हैं। मोर देन जस्ट सर्गेस लाइफ ऑन द लेसन बियॉन्ड द ओटी पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे? इसके जो सही आंसर हो जाएगा डी तेहर मटन एच आर वानिया। द ब्लू बुक राइटर और जॉनी इम्पोर्टेड क्वेश्चन हो जाएगा, इसके जो सही आंसर हो जाएगा इसने किसे लिखा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमितवा कुमार। नेक्स्ट है 41 नंबर इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम द नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री इम्पोर्टेड क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये पुराने इतिहास को दिखाया गया इस कविता में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पुलापे बालकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन ऑफ द स्किन हरदीत सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि सेना से रिलेटेड है। इसके सही आंसर हो जाएगा किसने लिखा है? तो स्टीफन बोकर ने लिखा है। बोज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इग्नोरेंट नेशनलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चंद्रचूर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर गांधी असेनियन द मेकिंग ऑफ द नेहरू गोड्स एंड हिज आइडियाज इन इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? धीरेंद्र के झा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड रिटेन 2019 से पुस्तक को किसने लिखा है? 45 का सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी अरुण जेटली पूर्व केंद्र मंत्री। नेक्स्ट 46 नंबर द लाइट वी कैरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिशेल ओबामा। डिग्निटी इन द डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रो खाना ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 48 नंबर की बात करते हैं इंडिया बैकिंग इन अ रेस्ट्रो एस्पेक्ट इतना इंडिपेंडेंस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे आशुतोष रारावीकर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 49 नंबर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने द एमसी मोहन लाइन सेंचुरी ऑफ द डिस्कस पुस्तक को किसने लिखा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे जनरल जे जे सिंह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है ना। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल्स पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के लेखक है आराध्या जौहरी जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नंबर गेटिंग द ब्रांड द गेन जी वे द सक्सेस इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्रार्थना बत्रा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। लीडर पॉलिटिक्स सिविल सिटीज 50 फिंगर हु इन्फ्लुएंस इंडिया पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे 52 का जो सही आंसर हो जाएगा सी रसीद किदवई इज राइट आंसर। 53 नंबर चीनेस स्पिन्स फ्रॉम द चेयरमैन मो टू जनपिंग पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे रोगर फैलीगोट ऑप्शन नंबर सी। द क्वीन ऑफ इंडिया पोप द ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थम्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इसका सही उषा दास गुप्ता इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन द लाइफ एंड द टाइम ऑफ द जोर्ज फर्नांडिस मैन इन द पीक ऑफ द क्वालिटी लाइफ के पुस्तक कौन हो जाएंगे? तो राहुल रामगुंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लॉकडाउन लेसिस के पुस्तक
एक पुस्तक विमोचन किया, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखने वाली कौन हो जाएंगे या लिखने वाला कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त दास। जनवरी ऑफ अ नेशन इतना इंडिया इकोनॉमिक्स रिविडेंट इंगे पुस्तक को किसने लिखा है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी संजय बारू। 58 नंबर द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नेवियर 23 कारगिल हीरो। इम्पोर्टेड क्वेश्चन दोस्तों, इम्पोर्टेड क्वेश्चन की बात करें इसका लेखक कौन हो जाएंगे, 58 का जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों यानी कि मीना नैयर और हेमंत सिंह शेखावत दोनों ने लिखे ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की, अ हिस्ट्री ऑफ द सिंडिकेट रविंद्रनाथ टैगोर वर्क इन द राहुल कॉन्ट्रेक्शन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उषा दास गुप्ता जी हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते द लेजेंड ऑफ बिंद्रा मुंद्रा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक से हो जाएंगे अंकिता वर्मा इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिए, द रेजिलेंट इंटरप्रेनियन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ध्रुति शाह ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उद्योगपति गौतम अंडमानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अंडमानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आर एन भास्कर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक विमोचक किए, इस पुस्तक की जीवनी पर आधारित है, किसके जीवनी पर आधारित है, राम बहादुर राय ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होरिजन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इस अध्ययन 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार भाटिया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट टेक गेम सेपिंग जोपोलिटिंग एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बी अनुरुद्धा सूरी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो लेखक हो जाएंगे 26 का बिमल जलान हो जाएंगे। और आप सभी के लिए टेस्ट के लिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और डिटेल ऑफ अ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि टॉम्स ऑफ स्टैंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को।